स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैतूल जिले के सोना घाटी पुलिस चौकी की सौगात मिली है। वही क्षेत्रीय विधायक ने गंज चौकी के जीर्णोद्वार के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। 78वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बैतूल पुलिस द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र एवं गंज थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी खोली गई है। एसपी निश्चल एन झारिया ने कहा है कि पुलिस चौकी खुलने से क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण रहेगा। सोना घाटी क्षेत्र में चौकी खुलने से 18 गांवों के ग्रामीणों को अब अपनी समस्या के समाधान के लिए 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना होगा। चौकी के उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक हेमंत खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया, अतिरिक्त उप अधीक्षक कमला जोशी, अनुविभागीय अधिकारी शालिनी परस्ते सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज कोतवाली थाने के अंतर्गत सोनाघाटी चौकी का शुभारंभ किया गया। ये चौकी में कुल 18 गांव आएंगे और इसमें जिस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ और उन गांवों की थाने से जुड़ी थी उसके शासन स्तर पर मांग रखी गई और जिसको स्वीकृति के स्वरूप में हमें 18 गांव का एक समूह चौकी के रूप में स्वीकृत हुआ, जिसको आज माननीय विधायक महोदय के कर्तव्यों के द्वारा शुभारंभ किया गया। साथ ही पूर्व में किसी कारण से बंद गंज थाने की जो गंज चौकी है, जो मेन बाजार एरिया में आती है, वो किसी कारणों से कुछ वर्षों से संचालित नहीं हो रही थी, तो 15 अगस्त के अवसर पे एसपी सर ने इसका भी एक लोकार्पण किया और विधायक महोदय जी ने इसका भी शुभारंभ आज किया। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।